हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू के जी क्लासेस इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट वैल्यूज ऑफ इंटीजर एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स रिगार्डिंग एडिशन सो लेट्स स्टार्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी वॉट एट ए सम ऑफ इन टीचर इज ऑलवेज एन इनचर जो सम होगा इन का वो क्या होगा एक इंटीचर ही आएगा अगर किसी टू इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट फाइंड होगा वो भी क्या होगा एक इंटीजर होगा इफ ए बी आर इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। हे एज एन एग्जाम्पल इफ इंटीजर फर्स्ट इंटीजर इज फोर एंड सेकेंड इंटीजर इज माइनस फाइव देन ए प्लस बी विल बी फोर प्लस माइनस फाइव एंड वी नो दैट प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस सो इट विल बी माइनस फोर माइनस फाइव इज इक्वल्स टू माइनस वन तो माइनस वन इज़ एन इंटीजर सो इट इज़ सेटिस्फाइड हियर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ ए बी एनी टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए अगर हम इनका पोजिशन चेंज कर दें तो फिर आंसर सेम ही होगा अगर इनको ऐड करें तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इफ़ वी हैव फोर प्लस फाइव या माइनस फोर प्लस फाइव वट विल बी गेट माइनस प्लस माइनस तो फाइव माइनस फोर वन और साइन किसका आएगा जो ग्रेटर होगा नंबर ग्रेटर कौन सा है वन तो इसका आ गया ए प्लस बी का वैल्यू आ गया ये बी प्लस ए करके देखते हैं फाइव प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस और ये फोर इट विल बी वन तो आंसर इज सेम तो इसलिए यहाँ पे कॉम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है किस में एडिशन में एडिशन ही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ ए बी एंड सी एनी थ्री इंटीजर्स देन अब यहाँ पे थ्री इंटीजर्स आ गए हमारे पास ए प्लस बी अगर हम ए बी को पहले ऐड करें फिर सी को ऐड करें उसमें या फिर बी सी को पहले ऐड करें फिर ए को ऐड करें उसमें तो फिर आंसर जो आएगा वो क्या होगा इक्वल लेट्स डू इट जो हमारा ए है वो क्या ले लेते हैं माइनस एट पी क्या ले लेते हैं माइनस फाइव सी क्या ले लेते हैं हम माइनस एलेवन ओके लेट्स डू इट लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले क्या कहा है उसने ए प्लस बी ए क्या है हमारे पास माइनस एट और बी क्या है हमारे पास माइनस फाइव और ये माइनस इलेवन सही है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा सो ये माइनस का ये माइनस का क्या हो जाएंगे दोनों ऐड हो जाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास थर्टीन माइनस थर्टीन सो दिस इज इलेवन माइनस माइनस प्लस होगा अगेन साइन आएगा किसका जो ग्रेटर होगा ग्रेटर है थर्टीन तो थर्टीन का साइन है नेगेटिव थर्टीन प्लस इलेवन हाउ मच विल वी गेट ट्वेंटी फोर लेफ्ट आई है हमारी ट्वेंटी फोर अब हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग करके देखते हैं तो राइट हैंड साइड ए क्या है हमारे पास माइनस एट प्लस बी क्या है माइनस फाइव और ये क्या है हमारे पास माइनस इलेवन अगेन बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस होएगा तो इलेवन प्लस फाइव कितना हो जाएगा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन हो जाएगा करेक्ट नाउ माइनस माइनस अगेन प्लस सिक्सटीन प्लस एट हाउ मच विल वी गेट ट्वेंटी फोर और साइन किसका आएगा जो इंटीजर ग्रेटर होगा ग्रेटर कौन सा है सिक्सटीन ग्रेटर है तो इसका इंटीजर सो हेयर वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड तो दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन टू एडिशन ओके नाउ नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर ए कोई भी इंटीजर है हमारे पास ए उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होगी हमारे पास कि ए में अगर जीरो ऐड करें तो भी क्या आएगा वो इंटीजर इट्सल्फ और अगर ज़ीरो में वो इंटीजर ऐड करें तो भी क्या आएगा वो इंटीजर ही आएगा तो वहाँ पे जीरो क्या बोल कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इफ वी हैव ए इज इक्वल्स टू माइनस एट इफ वी विल एड जीरो एन एट वट विल वी गेट माइनस एट अगर जीरो में ऐड करें माइनस एट तो भी क्या आएगा हमारे पास माइनस एट ही आएगा तो फिर इसको क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी का एडिटिव आइडेंटिटी ओके और जीरो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी सो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स फॉर एनी इंटीजर ए ए प्लस माइनस ए इज इक्वीरो माइनस ए प्लस ए इज दस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए एंड एज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए सो टू को अगर उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड करें देन व्हाट विल वी गेट ज़ीरो अगर माइनस फोर में फ़ोर ऐड करें तो क्या आएगा तब भी जीरो आएगा तो हमें इससे एडिटिव इन्वर्स पता चलते हैं अगर हमें टू का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना तो वो हो क्या होगा माइनस टू और माइनस टू का टू होगा माइनस फोर का फोर होगा और फोर का माइनस फोर एट का माइनस एट और एट माइनस एट का एडिटिव इनवर्स क्या होगा एट सिक्स का माइनस सिक्स माइनस सिक्स का सिक्स एंड लास्ट माइनस वन का वन होगा और वन का माइनस वन तो किसी भी इंटीजर का इफ़ वी अ इंटीजर ए अगर हमें इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हमारे पास वो क्या आएगा माइनस ए अगर माइनस सी है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा सी क्लियर ना वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रेक्शन ऑफ इंटीजर फर्स्ट वन इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी द डिफरेंस ऑफ टू इन टीचर इज़ ऑलवेज एन इन टीचर ये हमने अभी एडिटिव में पढ़ी है सेम वैसे ही है अगर हमें टू इन टीचर्स लें थ्री माइनस फोर वट विल वी गेट माइनस वन एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इन टीचर इसको क्या बोलेंगे इन टीचर ही बोलेंगे ये आई आई इन टीचर है ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कॉम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी द डिफरेंस ऑफ टू इन टीचर डिमेन सेम वन दर्डर ऑफ इंटीजर इज चेंज कॉम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो इनका डिफ्रेंस होगा वो सेम नहीं होगा करके देखते हैं अगर फोर माइनस फाइव कर रहे हैं हम तो क्या आएगा हमारे पास माइनस वन लेकिन वहीं हम फाइव माइनस फोर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास वन तो ये इक्वल नहीं आ रहे जो कि सेटिसफाई नहीं करती क्या yeah. तो सब्ट्रैक्शन में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजेंट एग्जिस्ट ये भी एग्जिस्ट नहीं करती करके देखते हैं एग्जाम्पल ए हमारे पास फोर है बी टू है सी सिक्स है लेट्स डू इट ए माइनस बी माइनस सी फोर माइनस टू टू एंड दिस वन माइनस सिक्स नाउ वट विल वी एट प्लस माइनस माइनस होगा सिक्स माइनस टू फोर आएगा और साइन किसका आएगा माइनस का ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड फोर माइनस टू माइनस सिक्स करेक्ट फोर माइनस सिक्स माइनस टू कितना आएगा हमारे पास माइनस फोर करेक्ट माइनस माइनस प्लस क्या आ गया हमारे पास एट यहाँ आया माइनस फोर यहाँ आया एट तो इक्वल नहीं है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती क्लियर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो सब्ट्रैक्टिड फ्रॉम एन इंटीजर दैट इज़ ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ए ए इज़ एन इंटीजर अगर कोई इंटीजर लें हम फोर अगर उसमें से जीरो सब्ट्रैक करें तो वट विल वी गेट इंटीजर एट सेल्फ इंटीजर ही आ जाएगा माइनस एट लें अगर उसमें से जीरो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा माइनस एट ही आ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होगा कि अगर जीरो किसी भी इंटीजर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो इंटीजर ही आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ वन वन सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम एन इंटीजर वी गेट प्रोड्यूस अगर हम किसी इंटीजर में से वन माइनस करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा उसका फिर मिलेगा वैसे ही अगर फोर लें अगर उसमें से वन माइनस करें तो क्या मिलेगा थ्री मिलेगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ